श्री हरि। यह प्रवचन सेठ जी के द्वारा 2 अक्टूबर सुबह 4 बजे दिया गया। पैठ संख्या 114, प्रवचन संख्या 11, विषय परमात्मा को छोड़कर दूसरी वस्तु का चिंतन करना, अपने आप को कुएं में डालना है। भगवान के सामने अपनी भूल को स्वीकार करें, पश्चाताप करें। ऐसा पश्चाताप कि जैसे प्राण जाने पर होता है। परमात्मा को छोड़कर दूसरी वस्तु का चिंतन करना, अपने आप को कुएं में डालना है। जब जब रात में जागो, जांच लेवे कि ठीक है ना, यानी परमात्मा का चिंतन हो रहा है कि नहीं। जैसे धन संभाल लेते हैं, उसी तरह देख ले, संभाल कर ले कि भजन ध्यान ठीक है ना। बार बार संभाल ले कि कोई काम बंद तो नहीं हो गया है। मन बड़ा पाजी है, उसकी संभाल रखनी चाहिए, नहीं तो धोखा दे देता है। जैसे माँ बच्चे की संभाल करती है, बच्चा कहीं हाथ में कोई चाकू कैंची न ले ले, तिनका आंख में न मार लेवे, बिच्छू सांप न पकड़ लेवे। ऐसे ही मन की बात है, उसका भी वही स्वभाव है। मन की बालक जैसी संभाल करनी चाहिए। मन में यह देखें कि परमात्मा को छोड़कर कोई दूसरी वस्तु नहीं उठा ली। जितनी ज्यादा जिस काम की संभाल होती है वह अच्छा होता है। भजन की 2 तरह की संभाल होती है। एक तो भजन ध्यान होता है, दूसरा होता है तो खूब तेज होता है कि नहीं। जैसे ठेकेदार मजदूरों की संभाल करते हैं कि काम करते हैं, और करते हैं तो तेज करते हैं कि नहीं। इसी प्रकार मन की वृत्ति की भी संभाल करनी चाहिए कि भगवान का चिंतन छोड़कर कहीं दूसरा चिंतन तो नहीं करता है। पूरी चौकसी रखनी चाहिए। सुनार की उपमा ठीक है। सुनार से गहना बनवाते समय जैसी सावधानी रखनी होती है कि सोने में कहीं खोट न मिला देवे, उसी प्रकार मन की भी सुनार के माफिक सावधानी पूर्वक संभाल रखनी चाहिए कि कहीं भगवान का चिंतन छोड़कर संसार का चिंतन तो नहीं करता है। निरंतर संभाल रखे, कहीं संसार का चिंतन करता है तो पकड़कर परमात्मा में लगावे।
निरंतर भगवान की स्मृति हो तो बहुत फायदा होता है। श्वास के साथ जप होने से श्वास की सफाई होकर स्वस्थ ठीक रहता है। श्वास अंत तक चले ऐसी हालत में निरंतर भजन होने से कल्याण होने में देर नहीं होती। निरंतर भजन होने से एक क्षण की भी भूल होती नहीं। यदि हो जावे तो अपनी कमी ढूंढे, सावधानी रखें। मनुष्य जन्म पाकर भगवान का भजन ही सार है। परमात्मा को भुलाना कृतघ्नता है।